नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये उम्मीद भी तब है अगर आप स्त्री नहीं हैं, अगर आप एक फ़ीमेल नहीं हैं। क्योंकि अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो मेरी ये उम्मीद भी बेमानी हो जाती है जो आजकल हमारे देश में चल रहा है उसे देखकर। हालांकि कुछ लोग मुझे पहले ही कह चुके हैं कि आप इस मैटर को पॉलिटिसाइज कर रहे हो, आप सिर्फ पॉलिटिकल बातें कर रहे हो। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ कहना है तो कह सकते हो, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा और मैं अपने सवाल जरूर उठाऊंगा। उस लड़की ने जो बयान दिया है मैजिस्ट्रेट को, जो पुलिस को, कि उनका उनका गैंगरेप हुआ इस विलेज में, और आज उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। ये एम्बुलेंस मेरे जो पीछे खड़ी है, इसमें लड़की की बॉडी को लाया गया। पिता और भाई थे, जो उनकी माताजी थी उनका सिर्फ एक ही पुलिस से एक ही सिर्फ एक डिमांड थी कि आप एक आखिरी बार हमको अपनी लड़की को घर ले जाने दीजिए, जो लास्ट राइट्स होते हैं वो हमको परफॉर्म करने दीजिए, एक आखिरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजिए, हमें हाथ लगाने दीजिए। हमारे सामने यूपी पुलिस ऑफिशियल्स और यूपी पुलिस ने पूरी फैमिली को अंदर बंद किया, अपने घर के अंदर बैरिकेड किया, डंडे लेकर सब पुलिस खड़े हो गए। और इस वक्त जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे दर्दनीय शायद ही परिवार के लिए कुछ और हो विजुअल। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य के प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। अगर आप इस केस की टाइमलाइन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हैवानियत की गई है। सिर्फ उन दरिंदों के द्वारा नहीं, सिस्टम के बाकी कलपुर्जों के द्वारा भी उस लड़की के साथ इतना ही बुरा सलूक किया गया है। जो इस केस में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि किस तरह से सरकारी मशीनरी को अपराधियों को बचाने में लगा दिया गया है। किस तरह से ये दिखाया गया है कि ना रेप हुआ था, ना जीभ काटी गई थी, ना ही उस लड़की की कोई हड्डी टूटी थी। इस तरह के बयान जारी करवाए जाते हैं अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा। उस लड़की के बयान को पूरी तरह से इग्नोर करने की या झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। वो बयान मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप हाथरस विक्टिम स्टेटमेंट से सर्च करेंगे तो आपको उस लड़की की स्टेटमेंट मिल जाएगी। इन लोगों ने उस लड़की की स्टेटमेंट को पूरी तरह झूठा साबित करने की कोशिश की जो उसने हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हुए दी थी। ये यहीं नहीं रुकते हैं, उस लड़की के घर वालों को उस अंतिम क्रिया में शामिल होना दिखाने के लिए गांव के किसी बुजुर्ग को पकड़कर उसे उसके बाबा बनाने की कोशिश की गई, जो बाद में फेक वीडियो साबित हुई। बाद में ये सामने आया कि वो उसके असली रिश्तेदार नहीं थे, वो गांव के कोई बुजुर्ग थे, और उनसे कहलवाया गया कि हम इन्हीं के रिश्तेदार हैं, हम इसके घर वाले हैं। अब अगर पुलिस की बात करें तो वो जांच की बात करती है, वो कहती है कि न्याय होगा, लेकिन उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं जब उस बिटिया की लाश को जबरदस्ती जलाया जाता है, जब सारे प्रोटोकॉल तोड़े जाते हैं। यूं चोरी छिपे जलाना दिखाता है कि पुलिस किसी और दिशा में काम कर रही है। पुलिस को न्याय के लिए काम नहीं करना है, पुलिस का मकसद कुछ और है। यूपी सरकार ने मुआवजा देने की बात की है, नौकरी देने की बात की है, पैसा देने की बात की है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर यूपी सरकार ये स्टेटमेंट्स दिलवा रही है कि उस लड़की के साथ कुछ भी हुआ नहीं था, तो ये कॉम्पनसेशन किस बात का? क्या ये उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा दिल बड़ा है? दिल बड़ा है तो आपने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल बड़ा है तो आपने न्याय का साथ क्यों नहीं दिया? दिल बड़ा है तो आपने उसकी अंतिम क्रिया उसके घर वालों को क्यों नहीं करने दी? और इस पे जो गांव की ऊंची जाति के लोगों का बयान है वो दिखाता है कि हम कितना भी आगे बढ़ने का ढोंग कर लें, जातिवाद हमारी रगों में बेतहाशा दौड़ रहा है और इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। उनका ये कहना कि नीची जाति के लोग पैसों के लिए ये सब करते हैं, वो हमें बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं, ये दिखाता है कि वो कितनी इज्जत करते होंगे और कितना जातिवाद ख़त्म हो गया है। ऊंची जाति में से किसी का भी उनके घर शोक जताने भी न जाना दिखाता है कि उन्हें कितना बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। गौर करने वाली बात है कि 20 साल पहले उस लड़के के पिता ने लड़की की बुआ को छेड़ा था, और जब उस लड़की के दादाजी ने विरोध किया तो उनकी उंगलियाँ काट दी गई थी, तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। और उनका ऐसे अपराध करना दिखाता है कि उन्हें कभी किसी चीज़ का डर था ही नहीं, उनमें कभी मानवता थी ही नहीं, और उन्होंने कभी इन्हें इंसान माना ही नहीं। उन्होंने इन्हें अपनी जागीर समझ रखा है, इन्हें अपनी दौलत का हिस्सा समझ रखा है, या यूं कहिए अपने घर के पशु समझ रखा है, जिसके साथ वो जिस तरह चाहें बर्ताव कर सकते हैं। और गांव की दलित लड़कियों का डरा होना, डर से बड़ी अपनी मजबूरी बताना कि उनके खेतों में तो जाना ही पड़ेगा वरना मवेशी भूखे मर जाएंगे, और उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, ये दिखाता है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से इसे अपनी नियति मान लिया है।
उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई है सरकार से, सिस्टम से, समाज से, मुझसे और आपसे। उनका ये डर कि कुछ दिन में कैमरे चले जाएंगे, फिर उनका क्या हाल होगा, फिर उनके साथ क्या सलूक होगा, ये दिखाता है कि मेरी और आपकी सिंपथी टेम्परेरी है। ये दिखाता है कि देश की जनता को हम लोगों में, हमारे सिस्टम में भरोसा नहीं है। ये आईना है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, कि हम अपने ही समाज को कितना भरोसा दिला पाए हैं कि किसी के साथ गलत होगा तो समाज उसके साथ खड़ा होगा। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। तरह तरह के संगठनों का अपराधी के पक्ष में खड़े हो जाना दिखाता है कि जहर हमारी जड़ों में भर चुका है। अब इस सब के बाद अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो टेम्परेरी सोशल मीडिया आउटरेज, कैंडल मार्च, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। उससे आगे अगर बढ़ें तो एनकाउंटर भी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। आप यकीन रखिए, एनकाउंटर कभी इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है। एनकाउंटर तो पहले कर चुकी है पुलिस, एग्जाम्पल सेट कर चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। हमें एजुकेशन की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपने समाज में बड़े बदलाव की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपनी सरकारों में बड़े बदलाव की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपने नेता, अपनी पार्टी चुनने से पहले बहुत ध्यान रखना होगा। ये इतना घटिया जो ढांचा बन चुका है समाज का, वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाने होंगे। सिर्फ सरकारों को कोसने से, सिस्टम को कोसने से, या एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाने से सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम सच में सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपने घर के लड़कों से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अपने लेवल पर जितनी कोशिश कर सकते हैं कीजिए, चाहे आप छोटे लेवल पर करें, बड़े लेवल पर करें, लेकिन कोशिश शुरू कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के भरोसे ठीक नहीं होगा। अगर इस केस में कुछ और अपडेट आता है तो मैं वापस आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वैसे ख्याल तो मेरा ये भी बेमानी ही है।